साहब ने, कबीर साहब ने इस भजन के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया है कि ईश्वर किसी एक जगह पे महफूज होने की चीज नहीं है। परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद की चार दीवारी में कैद होने की चीज नहीं है। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, ये तो सिर्फ एहसास की चीज है, उसकी उपस्थिति ये हमें समझने की बात है। ये भजन के पहले साहब के ही वाणी में चार पंक्ति, या घट भीतर सात समंदर, या ही में नदी और नारा, या घट भीतर काशी द्वारिका, या ही में ठाकुर द्वारा। इसी घट में सब कुछ मौजूद है। या घट भीतर चंद्र सूर्य है, या ही में नौलख तारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, या ही में सृजन हारा, या ही में हारा। यही सब कुछ है, मुझे कहां ढूंढता है, मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं मौजूद हूं तेरे पास। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, तो तेरे पास मस्जिद। साहब की इस पंक्ति से मुतासिर हो करके किसी एक शायर ने ये बात कही है, इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वार इधर गिरजा। इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वार इधर गिरजा, तुझे इबादत से मतलब है, जिधर चाहे उधर गिर जा। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है मंदिर, में साहब ये संदेश देना चाह रहे हैं, मैं किसी जप तप या उपवास में या किसी कठिन व्रत में मिलने की चीज नहीं हूं, मुझे सहज पा सकते हो सच्ची भावना से। में ना मैं बरत उपास
मस्जिद नाम मंदिर नाम मस्जिद ना कावे कैलाश में मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मैं किसी प्राण पिंड इसके चक्कर में नहीं हूं मैं कोनो गुफा में नहीं जो मुझे तलाश के लिए आप निकल जाए मैं हर जगह मौजूद हूं मुझे खोजिए मुझे एहसास करिए ईश्वर वो चीज है साहब कहते हैं मुझे कोई खोजे श्रद्धा विश्वास के साथ में प्रेम सद्भावना के साथ तो तुरंत ही मिल जाए मुझे एहसास तो करे मैं हर जगह मौजूद हूं जड़ चेतन में हूं जर्रे जर्रे में खोजी हो तो तुरंत मिल हूं एक पल की तलाश में खोजी हो तो तुरंत मिली हो एक पल की तलाश में खोजी हो तो तुरंत मिली हो एक पल की तलाश में खोजी हो तो तुरंत मिली हो एक पल की तलाश में कहीं कबीर सुनो भाई साधो मंदिर नाम है मस्जिद नाम है मंदिर नाम है मस्जिद नाम है मंदिर।